एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसा ही गेम खेल रहा था, तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि भाई YouTube पे जाकर के देखो, टेक प्रो हर्ष स्काईलॉर्ड के भाई टाइटेनियम लेजेंड एंड प्रभात गेमर का कॉन्ट्रोवर्सी हो गया है। तो मैं उसे बोला कि स्काईलॉर्ड का भाई तो चलो ठीक है, बट ये टाइटेनियम लेजेंड, टेक प्रो हर्ष और प्रभात गेमर है कौन? तो उसने बोला भाई YouTube पे जाकर के सर्च कर लो, उसके भी 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। ये सुनकर मैं बोला कि भाई मस्ती मजाक किसी और दिन कर लेंगे, अभी तू ये बता कि आखिर ये कॉन्ट्रोवर्सी है क्या। तो उसने बोला भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सही में टेक प्रो हर्ष के 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। और ये सुनने के बाद मैं सीधा चला गया YouTube पे ये देखने के लिए कि आखिर ये टेक प्रो हर्ष है कौन। एंड वहां जाकर के मैं देखा कि भाई के सही में 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। और ये देख के ना भाई कसम से बताओ तो मेरा दिल टूट गया। मतलब आजकल जिसको देखो वही 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर कर ले रहा है, ये हो कैसे रहा है? और एक मैं हूँ यार जिसके अभी तक 7000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए। मतलब मुझे कौन सी जन्मों की सजा मिल रही है? कहीं पिछले जन्मों की सजा तो नहीं मिल रही मुझे? लेकिन मैं सोचा कि चलो कोई ना, वीडियो तो बनाना ही है, तो चलो जाकर के देखते हैं कि आखिर कॉन्ट्रोवर्सी है क्या। और जब मैं हर्ष भाई का वीडियो देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि हर्ष भाई ने यूट्यूब पे ही लीगल केस कर दिया है। और भाई का कहना यह है कि अगर वो इस केस को जीत जाता है तो यूट्यूब इंडिया से बैन हो जाएगा। अच्छा आ रही है ना, तुम्हें भी हंसी आ रही है ना, मुझे भी हंसी आई थी भाई, मैं तो 15 दिनों से हंस रहा हूँ ये सुन के। ये पूरे इंडिया का पहला ऐसा केस है जो कि खुद YouTube के ऊपर किया गया है। एंड फ्रेंड्स यकीन मानो, अगर मुझे जस्टिस मिला तो YouTube इंडिया के अंदर से शट डाउन भी हो सकता है। ओ भाई क्या मस्त कॉमेडी कर रहा है यार, मतलब इतना हार्ड लेवल कॉमेडी हो रहा है ना, मन कर रहा है कि तालियां और सीडी बजाऊं तुम्हारे लिए। मतलब इतना हार्ड लेवल कॉमेडी कैसे भाई, कैसे कर रहे हो हर्ष भाई, मुझे भी बताओ यार। और भाई देखो, तुम्हारा ये जो कॉमेडी वाला वीडियो था ना, ये देखने के बाद मैं तुमसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो तुम रोस्ट वगैरह कर रहे हो ना, ये छोड़ दो भाई, रोस्टिंग मैं कर लेता हूँ, तुम जाकर के स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर। वैसे भी इंडिया में फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन का बहुत कमी है। हर्ष भाई एक बात बताओ कि तुम कुछ बोलने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचते हो क्या कि आखिर तुम बोल क्या रहे हो? मतलब तुमने यूट्यूब पे वीडियो डाल डाल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिए हैं, यूट्यूब के पैसे से ही तुम घर का राशन पानी भी चला रहे हो, और यूट्यूब पे ही तुम उल्टा लीगल केस भी कर रहे हो। और ये बताने के लिए कि तुमने यूट्यूब पे लीगल केस किया है, तुम वीडियो बना के वापस यूट्यूब पे ही डाल रहे हो। अरे बाप रे, इतना हार्ड लेवल स्क्रिप्टिंग हो कैसे रहा है तुम्हारा वीडियो का? मतलब इतना भयानक कॉमेडी कैसे कर रहे हो यार तुम? मतलब ये बात बिल्कुल वैसा नहीं होगा कि तुम बाप के टुकड़ों पे पल के, बाप के घर पे ही रह के और बाप से ही बगावत कर रहे हो। अब अगर तुमको ये पूरा कॉन्ट्रोवर्सी क्या है ये जानना है तो तुम जाकर के हर्ष भाई के चैनल पे वीडियो भी देख सकते हो, और जहाँ जहाँ पे भी इस प्रकार की वीडियोस डली है वहाँ पे जाकर के तुम पूरा कॉन्ट्रोवर्सी पता कर सकते हो। लेकिन मैं तुमको अभी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि आखिर ये पूरा कॉन्ट्रोवर्सी क्या था। देखो आज से कुछ दिनों पहले टेक प्रो हर्ष ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था जिसमें उसने 3 राइडर्स के बारे में दिखाया था जिनका हाल में ही डेथ हुआ है, जिसमें से एक स्काईलॉर्ड भाई भी थे। एंड उसने अपने वीडियो में दिखाया था कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर है, और वो इसको मर्डर का रूप देना चाह रहा था। और इसी चीज की वजह से स्काईलॉर्ड के भाई यानी कि अभिषेक भाई थोड़े से ऑफेंड हो गए और उसने टेक प्रो हर्ष को एक स्ट्राइक मार दी। अब देखो ये जो स्ट्राइक अभिषेक भाई ने मारी उसके चैनल पे, इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि अभिषेक भाई का गलती भी है और गलती नहीं भी है। अब गलती कैसे है और गलती कैसे नहीं है दोनों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर अभिषेक भाई की गलती इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि अभिषेक भाई ने ऑलरेडी ये चीज बता रखा है कि उसके भाई के ऊपर कोई भी इस प्रकार की वीडियोस ना बनाए जिसमें वो एक्सीडेंट को मर्डर का रूप दे। लेकिन उसके बावजूद भी हर्ष ने इस चीज के ऊपर वीडियो बनाया। तो तुम लोग खुद ही बताओ कि जो इंसान अपना भाई खो चुका है एक्सीडेंट में, उस एक्सीडेंट को कोई मर्डर का रूप दे सिर्फ थोड़े से व्यूज के लिए, तो तुमको कैसा लगेगा? और इसी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे स्काईलॉर्ड के भाई यानी कि अभिषेक भाई की कोई भी गलती नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर अभिषेक भाई की गलती क्या है। तो देखो पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर कोई इस प्रकार की वीडियो बना भी देता है तो अगर तुम उससे प्यार से अप्रोच कर सकते हो, अगर तुम उसे प्यार से बोल सकते हो कि भाई तुम इस प्रकार की वीडियो मत बनाओ, ये वीडियो को हटा दो YouTube से, मुझे ये चीजें नहीं पसंद है, मेरे ओपिनियन से तुमको पहले प्यार से ही बात करना चाहिए, ना कि डायरेक्टली स्ट्राइक मार देना चाहिए। क्योंकि यार कोई भी है चैनल पे बहुत मेहनत करता है तब जाकर के उसके मिलियन में सब्सक्राइबर होते हैं, तो तुम्हें इस मेहनत को समझना चाहिए। पर वही बात है यार, अगर किसी को कुछ फ्री में विरासत में मिल जाती है ना तो उसे समझ नहीं आता कि लोगों का मेहनत कितना होता है इस चीज के ऊपर। सही बात है। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर अभिषेक भाई ने पहले जाकर के उससे बात करी होगी कि भाई तू वीडियो हटा दे, एंड उसके बावजूद भी हर्ष ने वीडियो नहीं हटाया, एंड तब जाकर के अगर अभिषेक भाई ने इसके ऊपर स्ट्राइक मारी है, तो मैं बोलूंगा भाई मारो मारो बिल्कुल मारो, मेरी तरफ से भी 10 स्ट्राइक मारो साले को। मतलब इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि कोई इंसान जा चुका है इस दुनिया से, किसी का भाई जा चुका है दुनिया से, और ये लोग सिर्फ अपने व्यूज के लिए, अपने फायदे के लिए उसको कभी पॉलिटिक एंगल दे रहे हैं, कभी धर्म से जोड़ दे रहे हैं, कभी मर्डर मिस्ट्री बता रहे हैं। मतलब ये लोग सिर्फ थोड़े से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, थोड़े से पैसे घर में दाल चावल आटा के लिए इतना नीचे गिर जाते हैं क्या? तो भाई ये वो पूरी कहानी थी जहाँ से ये कॉन्ट्रोवर्सी का स्टार्ट हुआ। एंड इसके बाद इस पूरे कहानी में टाइटेनियम लेजेंड या फिर प्रभात गेमर की एंट्री कैसी होती है, अगर तुमको ये सब कुछ जाना है तो तुम जाओ हर्ष भाई के चैनल पे, एंड वहाँ पे हर्ष भाई ने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं ऑलरेडी, तो तुम जाओ वहाँ पे पूरी कॉन्ट्रोवर्सी का पता लगा। बट मैं तुमसे इतना ही बोलना चाहूंगा कि एक तरफ की कहानी सुन के तुम किसी पे भी विश्वास मत करना कि यही सही है और वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि दूध का धुला हुआ हो। और अब बात कर लेते हैं कि आखिर हर्ष भाई ने YouTube पे लीगल एक्शन क्यों लिया। तो देखो जब तुम हर्ष भाई के चैनल पे वीडियोस देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि भाई को 4 फेक स्ट्राइक पड़ी थी, और वो फेक स्ट्राइक हटवाने के लिए भाई YouTube से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये फेक स्ट्राइक है तुम लोग इसको हटा दो, और बार बार रिक्वेस्ट करने पे YouTube ने हर्ष भाई के चैनल से एक स्ट्राइक को हटा दिया। और इसके बाद बचे हुए 3 स्ट्राइक के लिए भी हर्ष भाई YouTube से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये भी फेक है इसे भी हटाओ, और बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद थोड़ा YouTube को हो गया गुस्सा और उसने कर दी एक गलती, और वो गलती ये था कि जिस स्ट्राइक को उसने थोड़ी देर पहले फेक कंसीडर करके हटा दिया था हर्ष भाई के चैनल से,
से उसने उसी स्ट्राइक को वापस से लगा दी। मतलब कि भाई कौन सा चरस गांजा फूंक करके ये यूट्यूब वाले बैठे हुए, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। मतलब तुम थोड़ी देर पहले किसी स्ट्राइक को फेक बता के हटा रहे हो और फिर उसी को वापस लगा दे रहे हो। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? और इसी चीज की वजह से हर्ष भाई थोड़े से हो गए नाराज और उसने थोड़ा सा लीगल एक्शन ले लिया यूट्यूब के ऊपर। और देखो मैं बोलूंगा कि भाई देखो यहाँ पे हर्ष भाई ना सही है, बट देखो यूट्यूब को बुझा देने वाला, यूट्यूब को इंडिया से बैन करवा दोगे तुम, ये थोड़ा हार्ड लेवल कॉमेडी हो जा रहा है। हर्ष भाई थोड़ा कंट्रोल करो इस चीज के ऊपर, मतलब तुम्हारी ऑडियंस हंस हंस के पागल हो रही है। कुछ तो मेरे पास रिपोर्ट रहे कि मैं 15 दिनों से हंस रहा हूँ, हंसी रोकने का उपाय बताओ। सो गाइस एट द एंड में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये जो स्ट्राइक वगैरह है, जो भी कॉन्ट्रोवर्सी है, तुम लोग बस यूट्यूब तक रखो, लीगली मत जाओ। अगर लीगली जाओगे तो तुम सबके चैनल उड़ जाएंगे, क्योंकि किसी के भी कर्मकांड अच्छे नहीं है। और जिन लोगों के ऊपर तुम केस कर रहे हो कि ये लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं या फिर मुझे गालियां दे रहे हैं ऑनलाइन, तो हर्ष भाई तुम्हारे भी कांड कुछ सही नहीं है, तुम्हारे भी पास्ट के बहुत सारे कांड है, तुम भी गालियां देते हो, सब देता है यहाँ पे। और सिर्फ गाली देने पे लीगल एक्शन होने लग गया और जेल में डलने लग गया ना लोग, आज यूट्यूब पे कैरी मिनाटी के 40 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं बल्कि वो 40 सालों के लिए अंदर हो जाता। सो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि कॉन्ट्रोवर्सी को कॉन्ट्रोवर्सी तक रखो एंड वीडियो बनाते हो तो भाई एक बार ही परमिशन ले लिया करो। और भाई मैं तुम लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर तुम लोग भी मेरे ऊपर स्ट्राइक मारने का सोच रहे हो तो प्लीज प्लीज भाई मुझे एक बार आकर के प्यार से बता देना कि तुमने इस वीडियो में ये बोल दिया, वो बोल दिया, मुझे पसंद नहीं आया, तो भाई मैं प्यार से वीडियो हटा दूंगा। स्ट्राइक मारने की कोई जरूरत नहीं है, गरीब आदमी के पेट में क्यों लात मारोगे तुम। एंड गाइस अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दो लाइक, मुझे इस वीडियो पे 200 लाइक चाहिए। और जिस दिन भी इस वीडियो पे 200 लाइक कंप्लीट हुआ उस दिन मैं टेक प्रो हर्ष के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड एंड उसके कर्मकांड से रिलेटेड एक और वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड अगर तुम लोग भी चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई लीगल एक्शन ना ले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और पे जरूर कर लेना, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ भी लीगल एक्शन ले लूंगा कि तुम वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। एंड अगर तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो जाकर के इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राहों पे काले साए हैं, सब चेहरे इंसानों से पर हाथ बड़े शैतानों से, ना पढ़ने देंगे सांसों को जहर बना देंगे।